अरे कब तक मुंह लटका के रहेगी? तेरे चेहरे पे सिर्फ हंसी अच्छी लगती है, ये ले। बात मत कर मुझसे, थोड़ी मदद नहीं कर सकता था? एक आंसर ही तो पूछा था। जो गलत है वो गलत है, और मैं कुछ गलत नहीं करता। एक बात बता, 4 साल से हम लोग एक साथ में हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं, एक भी बार अपने घर लेके गया है या कभी आई से मिलवाया है? उसमें कुछ गलत नहीं है? अरे टाइम आने पर ले जाऊंगा बाबा। हाँ टाइम आने पर ले जाऊंगा, अभी अपनी फैमिली से मिलवाए नहीं है, मेरी फैमिली से पता नहीं कब मिलेगा। मिलूंगा और मिलवाऊंगा भी, पहले तेरे चेहरे से ये मायूसी हटा और झगड़ा बंद कर। झगड़ा तभी होता है जब दर्द होता है, और दर्द तभी होता है जब प्यार होता है, पता है? ये ले। हाँ। मनोहर, अगर मैं तेरी आई को अच्छी नहीं लगी तो फिर भी शादी करेगा मुझसे? कोई चांस नहीं, आई की पसंद मेरी पसंद। आई मनोहर जी, विद्या मैं संगीत होता ना। हो, शुभ जयंती चे शुभ इच्छा। कितने शुभ दिन पर हमारे घर आई हो, आओ आओ। मेरी मनिया की किस्मत अच्छी है। काय रे मनिया, एवड़ी गोड पोरगी तुझा बराबर काय करते? काय करते म्हणजे? लव करते। और कैसे नहीं मिलती मनिया को ये? हाँ, इस घर में दो ही चीज तो स्पेशल है, आई का चिकन और आई का चिकना। दादा तू तो शहर से तड़िपा रहे ना। कस्सा तड़िपा रहा? वो साला भाट करके आदमी को ठोका, दोरी टूटा और मैं तड़िपा? तेरे पीछे से भाट करके छोकरे लोग रोज आकर परेशान करते थे, तेरा पता पूछते थे, कब तक ऐसे चलेगा भार्गव? कब खत्म हो जाएगा ये लफड़ा? ये भगाई सब खत्म हो जाएगा, एक बार भाट करके ठोका ना सब खत्म। फिर तू काय को इतना टेंशन लेती है? मनिया की शादी का टेंशन लेना। वनटा शादी मनाएगा इधर, 3 दिन तक चाली में लाइटिंग और हर रात चाली में पिक्चर। मैं बचपन से देख रहा हूं, मेरा सौतेला बाप रोटी खिला सका या नहीं, मार जरूर खिलाता था, और आई मुझे बचाते बचाते खुद को बचाना भूल गई। इसीलिए कॉलेज और पढ़ाई मेरे लिए बहुत जरूरी है। उस दिन मैं तुम्हें आंसर दिखा सकता था, लेकिन मैं ऐसी कोई चीज नहीं करना चाहता जिससे मेरी इस उम्मीद पर आफत आ जाए। एक बार पास होकर अच्छी नौकरी मिल जाए फिर पलट के देखूंगा भी नहीं। फिक्र मत करो मनोहर, सब ठीक हो जाएगा। क्या मनोहर, तू आज के दिन भी लेट हो गया? अरे बाबा रिजल्ट से आज मंदिर गया था, आजूबांसा आशीर्वाद घायला। काय तरीका है, आई बाबा आने वाले हैं। पहले रिजल्ट्स। तुझे उन्हें मिलना है। हाँ मिलूंगा बाबा। हे विशाल। हाँ। अरे रोल नंबर 118, मेरा स्कोर बताना। आप देखिए बताता हूँ अभी।
302 दफा 302 क्या रे इधर देख के क्या उखाड़ लेगा तू हैं तेरी कलम में चाहे स्याही साफ क्यों ना हो लेकिन तेरी रगों में गंदा खून बह रहा है मैंने क्या किया सर अपने भाई के साथ मिलकर मरण नहीं किया तूने मैंने नहीं किया सर आप मार क्यों रहे हो सबके सामने मार खाते हुए शर्म आ रही है तुझे मर्डर करते हुए शर्म नहीं आई थी देखिए सर आप सही नहीं कर रहे पुलिस वाले का हाथ पकड़ता है तू पुलिस वाले तेरी है मचाल से पढ़ाई की ताकि आपके जैसा बाल बच्चे वाला अच्छा आदमी बन सकूं प्लीज अच्छा आदमी अरे देखो किसने कहा कि मैं अच्छा आदमी हूं रे अरे मुझे तो मेरे बच्चे भी कमीना समझते हैं सब मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी प्लीज प्लीज मेरे कोई गलती नहीं की सही कह रहा तू तूने कोई गलती नहीं की गलती तो तेरे बाप ने की है साले ने दोनों बाप चूतिए पैदा किए हैं अरे ठोको 302 साइन हॉस्पिटल लेना ठीक है सर तुम सबने धोखा दिया खाकी की इज्जत करता तो आज खाक में नहीं मिलता खाक में तब मिलूंगा ऑफिसर जब राख बन जाऊंगा जान अभी बाकी है जितनी भी गोलियां मारी तूने सबकी सब काम छोड़ निकली कमाल है जिसम से आधा खून बह गया लेकिन फिर भी तेरी चर्बी नहीं गई वैसे हर किसी के मुकद्दर में उसके हिस्से की सांसें लिखी होती हैं लेकिन अब तो तेरे हिस्से का मुकद्दर ही खत्म पहले उमर कैद वालों को बाहर निकाल चलो उतरो देने ना भूख नहीं लगेगी तेरी रोटी तेरी प्लेट में बेकार जाए उससे अच्छा शेख मुनीर के पेट में जाके डका रहा है जान बचानी पड़ी वरना तू भी अपने भाई के साथ इस टेबल पर राम और शाम की तरह पड़ा होता एक बात याद रखना जेल में लड़ना मरना मारना सब माफ है मुंह खोलना माफ नहीं है जेलर के सामने मुंह मत खोलना समझा
बता इनमें से कौन था। पता नहीं, मैंने चेहरा ठीक से नहीं देखा। जेल में आए एक दिन हुआ नहीं, यहाँ के उसूल सीख गया तू। सर जी, आपका स्वयंवर अगर खत्म हो गया हो तो मैं जाऊं? इन सबको छोड़ दो और पोते को अंडा सेल में डाल दो। मुनीर, थैंक यू। थैंक यू बोलने में इतनी जल्दबाजी मत कर। दो बॉटल ओल्ड मैन रम तुझे और तेरे भाई को मारने की कीमत। बाहर किसको मारा है तू? किसी को नहीं, मैं निर्दोष हूँ। हमें साले जेल में निर्दोष और रंडी खाने में निरोध, दोनों की कोई वैल्यू नहीं है। एक ढूंढो हजार मिलते हैं। हाँ, सोचने वाली बात ये है कि एक बोतल तो उसे मिल गई, अब चार हफ्ते में पोतिया बाहर निकलेगा अपनी दूसरी बोतल के लिए। यानी कि तेरे पास चार हफ्ते हैं जीने के लिए और उसके पास पीने के लिए। नहीं, मेरे पास चार हफ्ते हैं तैयार होने के लिए। साला तुझे कौन तैयार करेगा? तू। मैं क्यों करूंगा? क्योंकि तूने मेरा नमक खाया। तू अगर ऊपर नहीं गया ना तो एक दिन बहुत ऊपर जाएगा। शादी? अगले महीने, लेकिन मैंने हाँ नहीं की। क्यों? किसका इंतजार है? तेरा मनोहर, तू नहीं चाहता मैं तेरा इंतजार करूं। करना होता तो पूछती नहीं। और अगर आज तू यहां ना होता तो पूछना ना पड़ता। तो क्या मेरी गलती है कि आज मैं यहां हूं? तो तू क्या कहना चाहता है? जो हुआ मेरी वजह से हुआ। जब तू जानती है तो मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहती है? तू झगड़ा कर रहा है या छुटकारा पा रहा है? जिस चीज के लिए तू ही आई है वो कर रहा हूं, तुझे आजाद कर रहा हूं। आजादी तो हम दोनों की किस्मत में नहीं है। उम्र कैद तुझे हुई है और सजा मैं भुगत रही हूं। अरे कौन सी सजा? खुली हवा में सांस लेने की, किसी और मर्द के साथ घर बसाने की, जो सपने हमने देखे थे किसी और के साथ गुजारने की। तो तू क्या चाहता है मैं क्या करूं? हाँ कह दे। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। सलाम भाई। भाई सलाम। मनिया देख, ये है वीरा। सलाम भाई। सलाम भाई। सलाम भाई। साले में इतना मसल है कि किसी को भी मसल सकता है। पोतिया से लोग सिर्फ डरते हैं, लेकिन इसे डरते हैं और इज्जत भी करते हैं। अगर तुझे कोई तैयार कर सकता है तो वो है वीरा। क्या चाहिए? मैं तेरे से सीखना चाहता हूं। सभी सीखना चाहते हैं, लड़ना मजाक नहीं। मैं मजाक नहीं करता, तू जो बोलेगा मैं करूंगा। गुरु को बड़ा उसका शिष्य बनाता है। अगर एकलव्य ने अंगूठा नहीं काटा होता तो द्रोणा को कोई थोड़ा याद रखता। मैं तेरा एकलव्य बनने को तैयार हूं। उसने अंगूठा काटा था, मैं तेरे लिए हाथ कटवाऊंगा। क्या बोलता? तो समझते को तेरा द्रोणा मिल गया।
शान से खेलो, अपना मानना है कि शान की माँ की आंख, यहाँ जान से खेलो, जान लो या जान दो। जानवर तो तू हमेशा ही था, इसलिए तो आज कुत्ते की मौत मर रहा है। सब पुलिस की मेहरबानी है, मुजरिम मां के पेट पे कम, पुलिस स्टेशन के गेट पे ज्यादा बंद है। मैं पोते को नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। मौत तो तेरी लेने के फिराक में हमेशा थी मनिया, नसीब बोला है तू कि जिंदगी ने कुछ दिन और तुझसे इश्क फरमाया। क्या बात है ऑफिसर, मुझे लगा कि तू सिर्फ धोखे से गोली मारने वाला कायर है, लेकिन तू तो शायर भी निकला। जब मैं जेल में जिंदगी से इश्क फरमा रहा था तो तू क्या कर रहा था? उन दिनों मस्तान गैंग पूरी मुंबई शहर की बजा रहे थे। हम पुलिस वाले बेबस थे क्योंकि कायदे और दायरे हमारी बजा रहे थे। लड़की ने स्टेटमेंट दिया? नहीं, वो कुछ बताने की हालत में नहीं है और मुझ में पूछने की हिम्मत नहीं है। समल। बैठा है ना? कवर करना, चलो बाहर जाओ। यहां जो भी हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन इतना वादा करता हूं कि दोबारा किसी और के साथ ऐसा नहीं होगा। अगर उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, घबराओ मत। बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं और मेरे हस्बैंड लखनऊ से यहाँ पर हनीमून मनाने आए थे। हम लोग बाहर से मूवी देखकर वापस आए और मेरे हस्बैंड चाबी ले रहे थे, तभी वो दोनों गुंडे ऊपर से आए और मुझे बुरी नजर से देखने लगे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों रूम में वापस आ गए। मैं बाथरूम में थी तभी आरामजादे दो थे,
किसी दरिंदगी की हिम्मत मस्तान गैंग के सिवा कोई कर नहीं सकता। होटल के स्टाफ और वॉचमैन से पूछताछ करो। कोई गवाही नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? सीधी तरह ना माने तो मार के निकालो। हम तो सिर्फ मारेंगे, वो तो मारे डालेंगे। मस्तान गैंग के खिलाफ गवाही देकर कौन अपने बच्चों को अनाथ बनाएगा? बेंडे, मैं अभी अंदर उस लड़की से वादा करके आया कि दोबारा किसी और के साथ ऐसा नहीं होगा। क्या उस वादे की कोई अहमियत नहीं? आज इस शहर में हमारी कोई हैसियत नहीं, तुम कहां वादे को लेके बैठे हो? कायरो जैसी बातें मत करो बिंडे। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं। मानता हूँ कि कपड़े उतार कर नंगा किसी और ने किया है, लेकिन उसकी इज्जत हमारी नाकामी ने लूटी है। ऊपर से ये भी आ गया, अब तू जेल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिंडे साहब, इनकी तहजीब में भी तेजाब है। खैर, मुबारक हो। मतलब एक और धमाकेदार केस आपने यूं ही सॉल्व कर दिया। बताइए कैसा लग रहा है? हाँ, ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई होगी इस बार? मतलब हादसा बीच बाजार हुआ है, इतने सारे गवाह होंगे आपके पास। वैसे भी हमारी पुलिस की काबिलियत का तो कोई जवाब ही नहीं। शेर जब बूढ़ा होता ना, कुत्ते भी भौंकने लगते। सादिक, तुम भी ताने मार लो, पर वैसे भी ये खबर जब तुम अखबार में छापोगे ना, तो ऐसे ही पुलिस की मोराल की धज्जियां उड़ने वाली है। किस मोराल की बात कर रहे हैं भेंडे साहब? पुलिस से ज्यादा मोराल तो हिजड़ों का है, वो तो फिर भी कुदरत से मारे हुए हैं। आपका क्या बहाना है? नसीहत देना आसान है सादिक, कुछ सलूशन हो तो बताओ। सलूशन है भेंडे साहब, आइए आइए। आपने शोले पिक्चर देखी? अब कहानी सुनाओगे? उसमें एक डायलॉग है, लोहा लोहे को काटता है। मतलब? जुबेर और दिलावर हक सर, कांस्टेबल इम्तियाज के बेटे। हाँ, अब धर्मेंद्र और अमिताभ तो आपको मिलने से रहे, इन दोनों से काम चल जाएगा। हाँ, मिलेंगे। क्या है बेतरा? जुबैर इम्तियाज हक सर। दिलावर इम्तियाज हक सर। जिप में बैठो। मेरे लिए काम करोगे? कैसा काम? वही जो तुम अभी कर रहे थे। वो जो करने का पुलिस में दम नहीं है। नहीं, वो जो हमें करने की इजाजत नहीं है। मुझे इस शहर को साफ करना है, और उसके लिए मस्तान गैंग का साफ होना जरूरी है। जिस सफाई की आप बात कर रहे हो, उसमें सड़कों पर साबुन का पानी नहीं, खून बहेगा। चलेगा, तुम दोनों को पुलिस से कोई परेशानी नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। वाह साहब, आपका ऑफर तो फ्रीडम फाइटर के जैसा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
मंजूर है या नहीं सोच के बताएंगे। छोटे ने कहा ना सोच के बताएंगे। यानी कि एक शोले ने दिलावर और जुबैर नाम की चिंगारी को आग बना दिया। शोले ने और भी बहुत कुछ किया। सादे खुद को ठाकुर और दिलावर जुबैर को अपना जय वीरू समझने लगा। इसी गलत फहमी में उसने अपने अखबार में कालिया और सांबा यानी याकू और बाटला दोनों की तस्वीरें छाप दी। सलामकुम मियां। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। पहला पर्चा सादिक मियां। ये तो खुल्ला छाप दिया दोनों को। ये कहां की अकलमंदी है भाई। ये सच है। सच अकलमंद हो ना हो कम से कम झूठ की तरह बुजदिल तो नहीं। बुजदिली अक्सर लोगों को जिंदा रखती है। तुम्हारे मशवरे में छुपी फिक्र को देखकर अच्छा लगा। लो भाई हमारा फर्ज है आपको खबरदार करना और मेरा फर्ज है खबर छापना। वैसे भी जब तक तुम दोनों हो मुझे क्या होगा। भेंडे मिला था तो हमारी सिफारिश आप ही ने की थी। तो आप चाहते हैं कि हम पुलिस के लिए काम करें। नहीं मियां तुम पुलिस के लिए नहीं। पुलिस अब तुम्हारे लिए काम करेगी। अच्छा चिंदे। जी सर। हेड ऑफिस बाटला और याकूब लाल के नाम पे अरेस्ट वारंट निकालो। बेंडे तुम्हारे बनी से एमिनेशन इशू करवाओ। गाड़ी और फोर्स तैयार करो। वी हैव टू मूव फास्ट। दोनों की फोटो छपी है। एड्रेस भी है। ब्लड ग्रुप छोड़कर सारी इंफॉर्मेशन है। सारा का सारा काम इस पेपर ने तो कर दिया है। अब पकड़ने का काम तो हम कर सकते हैं। अफवाक आज तक उस एरिया में कोई पुलिस वाले गए नहीं। जानता हूं इसलिए वो हरामी किसी भी इलाके में जब चाहे जो मर्जी करते हैं। मैं वहां उनके इलाके में उन्हें अरेस्ट करने जा रहा हूं। चाहो तो साथ आ सकते हो। वर्दी में अंदर जाएंगे तो कफन में बाहर आएंगे। कफन सर पे बांध के जाते हैं। एक बार याकूब लाला और बाटला को बाटली में उतार दिया तो ये वर्दी मेडल टांगने के काम में आएगी। क्या बोलता है। चल बेंडे सबको हीरो बनना है। अमिताभ बच्चन ने सबकी ठोक डाली है। चौका मारने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अकेला है। सांड कितना भी अकेला क्यों ना हो उसकी हिफाजत करने के लिए आजू बाजू भांड जरूर रहते हैं। मतलब 11 बजे 2 बजे करना क्या है। 12 से 3 तू संभाल। बेटे 3 से 6 तू संभालना। 6 से 12 मैं संभालता हूँ। तेरी फोटो में तेरा असली चेहरा दिखाई नहीं देता। असल में तू बहुत ही भयानक है। क्यों बे तेरी जबान और दिमाग के बीच का तार कटा है क्या जो मेरे इलाके में आके मुझसे बदतमीजी कर रहा है। चुपचाप मेरे साथ चल वरना जो फोटो यहाँ छपी है ना कल मुर्दों के साथ इस पन्ने पे छपेगी। कौन है तू। आफाक भागरा साहब। चल इंस्पेक्टर आफाक भागरा। मेरे को लेने आया था। कैसे। पुलिस वैन में। आज तक पुलिस की ऐसी कोई वैन नहीं बनी है जो याकूब लाला को अपने इलाके से लेके जा सके। तो फिर ठीक है एम्बुलेंस में ले जाऊंगा। Thank you.
किसी फिल्म वाले को बेचते हैं। मेडल नहीं मिला, कम से कम पैसे तो मिलेंगे। पैसे और मेडल से भी बड़ी चीज मिली, तसल्ली। तसल्ली मिलेगी मुंबई शहर की सड़कों पर। अब एक कमी ना कम था, भाई को तूने अंदर डाला और रत्नागिरी जेल से दो फरार होने की तैयारी कर रहे थे। कीमा है? मैं नक्की बोलता हूँ, मेरे डब्बे में सूखा आलू होएगा। उल्टा ही नहीं, ये देख, सूखा आलू, सूखा भिंडी, सारा रोज का हो गया। अरे यार, भिंडी तो अच्छी लगती है। तू कहाँ हाथ लगा रहा? तेरा टिफिन कहाँ? नहीं है ना टिफिन। क्यों, तेरी बीवी ने आज तेरे को खाना नहीं दिया? अरे खाना क्या, कुछ भी नहीं दिया। हेलो कीमा, अच्छा बनाती है तेरी बीवी, चक्कर मजा आ गया। वही था ना तेरे बेटे के टिफिन बॉक्स में। कौन बोल रहा? बाटला। कहाँ है मेरा बेटा? फिलहाल तो स्कूल में ही है, लेकिन अभी आधे घंटे में जब रिसेस की घंटी बजेगी और वो अपना टिफिन खोलेगा तो उसे खीमा नहीं बॉम मिलेगा। और तुझे बेटा नहीं, खीमा मिलेगा। अमित, ये कॉल को ट्रेस कर और पता लगा कि बाटला कहाँ है। बिंडे, तू फॉरेन स्क्वाड को लेकर स्कूल पहुंच। ठीक है, गाड़ी निकाल रहे।